श्रवण कुमार कथा। पौराणिक युग में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु थे। इनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्मपरायण नारी थी। कहानी उस समय की जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था। अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता था। उसके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते कि हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवण जैसा मातृ भक्त पुत्र मिला, जिसने स्वयं के बारे में न सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। इसकी जगह कोई अन्य होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं का हित सोचता और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ आता और खुशी से अपना जीवन यापन करता। जब ये बात श्रवण ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी भिन्न नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा जीवन दिया और अब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूँ। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझसे कहें, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूँगा। तब शांतनु और उसकी पत्नी कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती हैं। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूं। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कावड़ तैयार करता है जिसमें एक तरफ शांतनु एवं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है और कावड़ के डंडे को अपने कंधे पर लाद कर यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उसे उस कावड़ का लेशमात्र भी भार नहीं लगता। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्नता से भर उठता है और वे पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण को दुआएं देते चलते हैं। तीर्थ करते समय जब वे तीनों अयोध्या नगरी पहुंचते हैं तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कावड़ को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने जाता है। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकले थे और उस घने वन में वह हिरण को शिकार बनाने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी के हलचल की आवाज आती है। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज समझकर महाराज दशरथ शिकार के उद्देश्य से तीर चला देते हैं और उस तीर से श्रवण कुमार के हृदय को आघात पहुंचता है, जिससे उसके मुंह से पीड़ा भरी आवाज निकलती है, जिसे सुन दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं और उन्हें अनहोनी का एहसास होता है और वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा देख भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर उससे क्षमा मांगते हैं।
तब अंतिम सांस लेता श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि वे प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कहना। और इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुँचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं उनका पुत्र कहाँ है। वे भले ही नेत्रहीन हों पर वे दोनों अपने पुत्र की आहट से ही समझ लेते थे। माता पिता के प्रश्नों को सुन महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से कहते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरथ कांवड़ उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को देख महाराज दशरथ को अत्यंत ग्लानि का आभास होता है और वे अपनी करने की क्षमा याचना करते हैं। लेकिन दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र राम का राज्य अभिषेक होता है तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम सीता और लक्ष्मण को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ता है और इस तरह महाराज दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होती है। अपने अंतिम दिनों में उन्हें शांतनु के कहे शब्द याद आते हैं और वे राम के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।